नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 जून, दिन शुक्रवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जानिए इसका महत्व और इस वर्ष की थीम। बिहार के 15 जिलों में रोजगार मेला का हो रहा आयोजन। बाढ़ में जल जनित बीमारी और महामारी की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। प्रदेश के 21,000 प्रधान शिक्षकों के खिलाफ इस मामले में होगी कार्रवाई। घर बैठे ही नए बिजली कनेक्शन के लिए कर सकते हैं अप्लाई। भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 47 रनों से दिया। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। द मेहसाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने निकाली भर्ती, जल्द करे आवेदन। द मेहसाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने क्लेरिकल ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 50 पदों पर निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट mucbank.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने MCOM या MSc या MBA की डिग्री पास की हो। उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जानिए इसका महत्व और इस वर्ष की थीम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत को पूरी दुनिया में योग का गुरु माना जाता है, क्योंकि भारत ही वो देश रहा जिसने पूरे विश्व में इसे पहचान दिलाई है। आज के समय में योग सभी उम्र के लोगों के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों ही तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। आज योग दिवस के मौके पर कई जगहों पर सामूहिक तौर पर योगा अभ्यास का आयोजन होता है। इस बार के योग दिवस का थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है, यानी योग खुद के लिए और समाज के लिए। आज के इस मौके पर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में रहेंगे और वे सुबह 6:30 बजे से डल झील के किनारे योगा अभ्यास करेंगे। घर बैठे ही नए बिजली कनेक्शन के लिए कर सकते हैं अप्लाई। अब आप घर बैठे ही आसानी से नए बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको nbpdcl.co.in और sbpdcl.co.in पर विजिट करना होगा। इसकी जानकारी IPRD बिहार ने साझा की है, जिसके मुताबिक आपको हमारे द्वारा बताए गए वेबसाइट पर जाकर न्यू कनेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको न्यू सर्विस कनेक्शन का ऑप्शन दिखेगा। इसे क्लिक करते ही इसमें अपना मोबाइल नंबर और जिला का नाम डालकर जनरेट OTP पर क्लिक करें। आगे के प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपके सामने पेज खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक भर दें, फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फिर इसमें नए पेज पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आप न्यू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे। अनुमंडलीय अस्पतालों में कम से कम 75 बेड उपलब्ध करवाने के मिले निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार मेडिकल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन लिमिटेड में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान कम से कम 75 बेड राज्य के अनुमंडलीय अस्पतालों में उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान कहा है कि वैसे सभी अनुमंडलीय अस्पताल जिनकी क्षमता 75 बेड से कम है, समेकित अध्ययन कर अगली विभागीय बैठक में उसकी रिपोर्ट दे। आगे मंगल पांडे ने कहा कि वैसे सभी स्वीकृत परियोजनाएं जो भूखंड संबंधित समस्याओं के कारण प्रारंभ नहीं हो सकी, उनका जिला और परियोजना वार सूची तैयार करें। बिहार के 15 जिलों में रोजगार मेले का हो रहा आयोजन। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग नियोजन सह मार्गदर्शन मेला के माध्यम से रोजगार देने की तैयारी कर रही है। विभाग द्वारा बिहार में बड़े पैमाने पर 15 जिलों में रोजगार मेला लगाए जाएंगे, जिसमें कैमूर में 24 जून, रोहतास के डालमिया नगर में 26 जून, बक्सर में 27 जून, भोजपुर में 28 जून, औरंगाबाद में 29 जून, गया में 1 जुलाई, नवादा में 3 जुलाई, नालंदा में 4 जुलाई, शेखपुरा में 5 जुलाई, खगड़िया में 6 जुलाई, बेगूसराय में 8 जुलाई, समस्तीपुर में 10 जुलाई, दरभंगा में 11 जुलाई और मधुबनी में 12 जुलाई को मेला का आयोजन किया जाएगा। मेला में भाग लेने के लिए जरूरी है कि www.ncs.gov.in पोर्टल पर निबंधन हो। प्रदेश के 21,000 प्रधान शिक्षकों के मामले
पटना माइंड फेस्ट का हो रहा आयोजन, जीतने वाले को 20,000 रुपए तक का मिलेगा इनाम। पटना स्थित बिहार म्यूजियम में पटना माइंड फेस्ट 2024 का आयोजन होने वाला है। ये आयोजन 22 और 23 जून को होगा, जिसमें क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड, वर्ड बी, क्विज, क्रिएटिव राइटिंग समेत कई प्रतियोगिताएं होंगी। इस प्रतियोगिता में किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति भाग ले सकेंगे। इस प्रतियोगिता में सभी श्रेणी के विजेताओं को 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इस दो दिवसीय फेस्ट में भाग लेने के लिए आपको https://pmf.cryptixsing.com/pmf.aspx के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप चाहे तो एक से भी अधिक प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रतियोगिता से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप extraindia@gmail.com पर आयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। नीट पेपर लीक मामले की जांच में लगे ईओयू एडीजी हसनैन खान को दिल्ली किया गया तलब। नीट पेपर लीक मामले के बीच सरकार सख्त हो गई है। दरअसल गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने बिहार आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान को दिल्ली बुलाया है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में बिहार ईओयू जांच पड़ताल कर रही थी। इस जांच के दौरान पेपर लीक का मास्टरमाइंड अमित आनंद को पटना से गिरफ्तार किया गया। इसने इस बात को कबूल किया है कि उसने पेपर लीक किया था। नीट अभ्यर्थियों से पेपर लीक के बदले में 30 से 32 लाख रुपए लिए गए थे। क्रेडिट स्कोर हो गया है खरा, आप तो इन तरीकों से बढ़ा सकते हैं सिविल। महंगाई के इस दौर में लोग अपने कई कामों के लिए लोन लेना चाहते हैं, लेकिन लोन लेने के लिए जरूरी है कि आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर सही हो। आपका क्रेडिट स्कोर जितना अधिक होगा, आपकी वित्तीय स्थिति उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। हालांकि कई बार लोग कुछ गलतियों के कारण अपना क्रेडिट स्कोर भी खराब कर लेते हैं, लेकिन इसे सुधारने के लिए जरूरी है कि यदि आपने कोई लोन ले रखा है तो उसे समय पर चुकाएं। अपने क्रेडिट यूज रेट को कम रखें, नए लोन के लिए सोच समझ कर अप्लाई करें, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की जाँच करें। इन तरीकों से आप अपने क्रेडिट स्कोर को ठीक कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मियों को बोनस और ग्रेच्युटी की दी जाएगी सुविधा। सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड और निकायों में कई आउटसोर्सिंग कर्मी होते हैं। अब इन्हें लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल अब इन आउटसोर्सिंग कर्मियों को बोनस दिया जाएगा। ये बोनस एक साल में कम से कम 30 दिन काम करने वालों को दिया जाएगा। वहीं इन्हें ग्रेच्युटी की सुविधा भी दी जाएगी। ये सुविधा 5 साल से अधिक काम करने वालों को दी जाएगी। इस संबंध में सभी विभागीय सचिवों को श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने पत्र भी लिखा है। पत्र के जरिए कहा गया है कि आउटसोर्सिंग के तौर पर विभिन्न विभागों में मानव बल की सेवा ली जा रही है। काम लेने के दौरान श्रम अधिनियम का अनुपालन जरूरी है। विरायतन इस वजह से है बेहद खास। विरायतन यानी कि दो शब्दों से व्युत्पन्न, वीर जो भगवान महावीर के लिए खड़ा है और एतन जो एक पवित्र स्थान के लिए खड़ा है। भारत में जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित एक धार्मिक संगठन है। संगठन की स्थापना आचार्य श्री चंदन जी ने 1973 में भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर की थी। संगठन के 3 मुख्य बिंदु क्षेत्र हैं: सेवा, मानवता की सेवा, शिक्षा और साधना, आत्मविकास। विरायतन सेवा, मानवता की सेवा की अवधारणा को बढ़ावा देने वाला एकमात्र जैन संगठन है। राज्य शिक्षा परिषद ने बिहार के 21,000 प्रधान शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए निर्देश। राज्य शिक्षा परिषद ने बिहार के 21,000 प्रधान शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन सभी प्रधान शिक्षकों के खिलाफ 24 जून तक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल प्रधानाध्यापकों पर ये कार्रवाई अपने कार्य के प्रति लापरवाही और विभागीय उच्च अधिकारियों के आदेश के अवहेलना को लेकर हुई है। दरअसल विभाग ने 1 से 12 तक के बच्चों के ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर फ्रेश एंट्री करने की बात कही थी। ये काम 15 जून तक निपटा लेना था, लेकिन बावजूद इसके 21,448 स्कूल ऐसे रहे जिन्होंने इस काम को पूरा करना तो दूर, इस डेटा एंट्री का काम शुरू तक नहीं किया है, जिसके बाद इन सभी पर कार्रवाई करने की बात सामने आई है। बाढ़ में जल जनित बीमारी और महामारी की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ का खतरा देखने को मिलता है। इस दौरान कई महामारी का खतरा भी रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जल जनित बीमारी और महामारी की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी किए गए हैं। इस संबंध में डीएम और सिविल सर्जन को भी जानकारी दी गई है। साथ ही निर्देश देते हुए कहा गया है कि गाइडलाइन के अनुरूप बाढ़ को लेकर पूर्व तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। आपको बता दें कि बाढ़ पूर्व तैयारियों के आकलन को लेकर मॉक ड्रिल भी की जाएगी।
मिर्जापुर 3 का ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों का रिएक्शन आया सामने। इस साल के मोस्ट अवेटेड मिर्जापुर 3 सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। इस ट्रेलर में छल कपट की एक छोटी सी झलक को दिखाया गया है। अब इस ट्रेलर को देखने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन सामने आ रहा है। एक यूजर ने कहा है कि मिर्जापुर में ही नहीं, ट्रेलर ने पूरे देश में भौकाल मचा दिया है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि अब तांडव होगा। कुछ ने तो ट्रेलर देखने के बाद रोंगटे खड़े होने तक की बात कही है, तो वहीं कुछ यूजर्स को इस ट्रेलर को देखने के बाद मुन्ना भैया की याद आने लगी है। आपको बता दें कि इस ट्रेलर को देखने के बाद दर्शकों के बीच सीरीज को देखने का उत्साह पहले से और दोगुना हो चुका है। सीएम नीतीश ने खरीफ महाअभियान 2024 का किया शुभारंभ। बीते ही दिन सीएम नीतीश ने खरीफ महाअभियान 2024 का शुभारंभ किया और किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बात की जानकारी आईपीआरडी बिहार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश के साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कृषि मंत्री मंगल पांडे और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है किसानों को खरीफ फसलों की तकनीकी जानकारी देना, खरीफ मौसम में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देना, फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूक करना, खरीफ में अनुदानित दर पर उपादान वितरण की जानकारी देना, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाना, जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना, फसल विविधीकरण पर विशेष जानकारी देना, चतुर्थ कृषि रोड मैप के विभिन्न आयामों की जानकारी देना। बैंक खाता धारक घर बैठे आसानी से कर सकते हैं अपनी केवाईसी। बैंक खाता धारकों ने कई बार केवाईसी का नाम सुना होगा। कई बार आपको बैंक द्वारा केवाईसी करवाने को कहा जाता है। इसे करवाने के लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत होती है ताकि आपकी पहचान हो सके। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक में केवाईसी करवाना क्यों जरूरी है और क्या आप इसे घर बैठे भी कर सकते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। केवाईसी ये सुनिश्चित करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों के लिए बैंकों का उपयोग ना किया जाए। इसके जरिए बैंक से निवेशक की पहचान और पता सत्यापित हो पाते हैं। आप चाहे तो इसे घर बैठे भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंकिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आपको केवाईसी टैब का ऑप्शन दिखेगा, फिर यहाँ दिए गए दिशा निर्देश को देखते हुए मांगी जा रही जानकारियों को भरना होगा। उसके बाद आगे की कुछ प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद आप अपना केवाईसी आसानी से कर पाएंगे। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश से मिली राहत। प्रदेश में पटना समेत कई जगहों पर बारिश के कारण मौसम सुहावना हो चुका है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मॉनसून के प्रवेश से प्रदेश में कई जगहों पर झमाझम बारिश देखने को मिली है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सारण में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 36 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है। होम्योपैथी दवा और फिनाइल बनाने के नाम पर नकली शराब फैक्ट्री का हुआ खुलासा। नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा पटना के ट्रांसपोर्ट नगर जकियारपुर में हुआ है। इस शराब फैक्ट्री की सूचना मिलते ही पुलिस ने छापा मार दो युवकों को गिरफ्तार करने के साथ ही शराब बनाने का सामान, कई ब्रांड की खाली बोतल, रैपर और लाखों रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में नकली शराब का निर्माण होम्योपैथी दवा और फिनाइल बनाने के नाम पर किया जा रहा था। इस संबंध में आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर अजीत कुमार ने बताया है कि इस नकली शराब बनाने की फैक्ट्री की जानकारी हमें गुप्त सूचना के आधार पर मिली थी। सूचना मिलते ही टीम वहां पहुंची, जहां से गोदाम से सामान निकालने पहुंचे दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गैंग के सरगना का नाम मुन्ना कुमार है। फिलहाल इसकी तलाश जारी है। बिहार में निवेश आकर्षित करने के लिए बिहार के उद्योग मंत्री केंद्रीय मंत्री से मिले। बिहार सरकार के पर्यटन और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बीते दिन दिल्ली में भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान नीतीश मिश्रा ने कहा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जीतन राम मांझी को इन महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व मिला है। उन्होंने बताया कि मांझी से मुलाकात के दौरान बिहार में निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन सहित तकनीक के व्यापक प्रयोग के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने के संबंध में महत्वपूर्ण विमर्श हुआ।
आरक्षण मामले में पटना हाई कोर्ट के फैसले पर राजद सांसद ने सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने वाले बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। अब इस मामले पर राजद का बयान सामने आया है। दरअसल राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, पार्टी और ज्यादा सबूत इकट्ठा कर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इस दौरान मनोज झा ने दावा करते हुए कहा कि फैसला हमारे ही पक्ष में होगा। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के कार्यकाल में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था, उस पर जो रोक लगाई गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि राज्य सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। नीट पेपर लीक मामले में विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर लगाया आरोप। नीट पेपर लीक का मामला इन दिनों जोर पकड़ता जा रहा है। बिहार में इस मामले की जांच बिहार आर्थिक अपराध इकाई द्वारा की जा रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मामला अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। दरअसल इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर से रात 9 बजे पथ निर्माण विभाग के कर्मी प्रदीप कुमार को कॉल किया गया था। कॉल करके एनएचएआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरा बुक करने को कहा गया था। प्रदीप कुमार ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन 4 मई की सुबह 8:50 के करीब में एक बार फिर प्रीतम के फोन पर कॉल किया गया था और सिकंदर के लिए कमरा बुक करने को कहा गया था। तेजस्वी यादव के लिए मंत्री शब्द का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस मामले में एनएचएआई ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में खबर आई थी कि नीट पेपर लीक से जुड़े आरोपी पटना में एनएचएआई गेस्ट हाउस में रुके थे, लेकिन पटना में उनके पास कोई गेस्ट हाउस की सुविधा है ही नहीं। शंकर सिंह ने रुपौली विधानसभा सीट से नामांकन किया दाखिल। रुपौली के पूर्व विधायक रहे शंकर सिंह ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 जून को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब इस सीट से मुकाबला राजद उम्मीदवार बीमा भारती, जदयू उम्मीदवार कलाधर मंडल और शंकर सिंह के बीच देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि शंकर सिंह लोजपा रामविलास से भी जुड़े हुए थे, हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। लोजपा से इन्होंने चिराग से टिकट के लिए अनुरोध भी किया था, लेकिन चिराग ने मना कर दिया, ये कहकर कि ये सीट जदयू के खाते में है। 15 जून को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान करते हुए कहा था कि वे 20 जून को एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रुपौली विधानसभा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 47 रनों से दिया मात। सुपर 8 की शुरुआत भारतीय टीम ने दमदार तरीके से की है। अफगानिस्तान को टीम इंडिया ने एक तरफा तरीके से हराया है। भारतीय टीम ये मैच 47 रनों से जीती। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव के अर्धशतक और हार्दिक पांड्या की बेहतरीन पारी के दम पर 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 181 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 134 रनों पर ढेर हो गई। T20 में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड जैसी टीम को मात दे दिया। T20 की इस दमदार टीम को इंडिया हराने में सफल रही। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1862 में ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर लिंकन इनसे कानून की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे। आज के दिन वर्ष 1948 में सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। आज के दिन वर्ष 1991 में पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने थे। आज के दिन वर्ष 2009 में भारत की बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। वर्ष 2015 में 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस मनाते हैं। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे कंचनजंगा रेल दुर्घटना मामले में वायरल हो रहे इस खबर के बारे में। एक पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि कंचनजंगा रेल दुर्घटना में मालगाड़ी का लोको पायलट 4 रातों से सोया नहीं था, लेकिन आपको बता दें कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। मालगाड़ी के लोको पायलट को अपनी ड्यूटी से पहले 30 घंटों से अधिक विश्राम मिला था। इसमें रात्रि विश्राम भी शामिल था। लोको पायलट ने इस मालगाड़ी में मॉर्निंग ड्यूटी की थी, इसलिए इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचे। PIB फैक्ट चेक ने भी इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है।
पार्सल स्कैम से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट की मदद से किया ये काम। इन दिनों पार्सल स्कैम का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस स्कैम के तहत एनसीबी, सीबीआई या कस्टम विभाग के अधिकारी बनकर ठग लोगों को ठग रहे हैं। ये लोगों को कॉल करके कहते हैं कि उनके नाम से सिम कार्ड, पासपोर्ट आदि बरामद हुए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग भी की जा रही है। लोगों को यकीन दिलाने के लिए ठग फर्जी सीबीआई लेटर भी भेजते हैं, साथ ही जेल भेजने की धमकी देते हैं। जेल की सजा ना हो इसके लिए वे पैसों की मांग करते हैं। लेकिन सरकार ने ऐसे स्कैम पर नकेल कसने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से मदद ली है और पार्सल स्कैम व डिजिटल अरेस्ट स्कैम में शामिल हजार से भी अधिक स्काइप आईडी को ब्लॉक कर दिया है। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि आम लोग जागरूक हों ताकि ऐसे स्कैम को रोका जा सके। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उस जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 15 मई, ऑप्शन बी है 17 मई, ऑप्शन सी है 16 मई, ऑप्शन डी 19 मई। इसका सही उत्तर है 17 मई। हाल ही में मालती जोशी का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए है तबला वादक, ऑप्शन बी है लेखिका, ऑप्शन सी है कार्टूनिस्ट, ऑप्शन सी है समाजसेवी। इसका सही उत्तर है लेखिका। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए है रागनी सोनकर, ऑप्शन बी उमेश गुप्ता, ऑप्शन सी है कपिल सिब्बल, ऑप्शन डी अनिल राय। इसका सही उत्तर है कपिल सिब्बल। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए बहार खां, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी अकबर। इसका सही उत्तर है बहार खां। बिहार में होम रूल का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही उत्तर है मौलाना मजहरुल हक। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है विनोद महात्मा, संगीता कुमारी, निराला कुमार, नुनू गोलू कुमार, शिव शक्ति, संजय कुमार शर्मा, दिलीप यादव, भारत प्रसाद, राजीव कुमार, संजीव कुमार, रामनवमी मांझी, दिनेश सिंह, बिरजू कुमार, मोहित, पिंकी कुमारी, रवि कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल के राज का सवाल है, आज योग दिवस के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप भी योग करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।